राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी को पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इसमें एक और चीज हम चर्चा करेंगे कि जिन लोगों का एकादशी को तिथि पड़ती है श्राद्ध की, उनको हम लोग श्राद्ध एकादशी को करें या नहीं करें, और एकादशी का जो व्रत है वो हम 9 तारीख को रखेंगे या 10 को रखेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी प्रारंभ हो रही है। 9 अक्टूबर को जो प्रारंभ हो रही है एकादशी, वो दोपहर में 12:36 से प्रारंभ हो रही है और 10 तारीख को 3:08 तक रहेगी। तो हम लोग एकादशी कब मनाएं, 9 को या 10 को? तो ऑब्वियसली जो भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, जो वैष्णव हैं, उन्हें मालूम है कि हम एकादशी का व्रत 10 तारीख को रखेंगे। आप सभी जानते हैं उदिया तिथि के चलते हुए हम सभी को 10 तारीख को व्रत करना है। 10 अक्टूबर को हम व्रत करेंगे और 11 अक्टूबर को इसमें ये भी समझ लें कि पारायण का समय क्या रहेगा। तो पारायण हम लोग करेंगे 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:39 तक, 39 तक हम लोग पारायण कर सकते हैं 11 अक्टूबर को। तो इन बातों का थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। पितृपक्ष में इस एकादशी के आने से इस एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत, इंदिरा एकादशी का व्रत, पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत वो निष्ठापूर्वक करता है, जाप करता है, थोड़ा धर्म का पालन करता है, दान पुण्य करता है, तो इससे अगर हम अपने पितरों को याद करें और पितरों को उस एकादशी का फल दे दें या याद भी कर लें, तो इससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए अपने पितरों के लिए, तो निश्चित भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। एक और बात बता दें, हमने जो आपको पूर्व में बोला कि एकादशी के दिन अगर श्राद्ध आ जाए किसी आत्मा का, हमारे पितरों का, तो हम क्या करें? मैंने संतों के मुंह से सुना है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं देना चाहिए किसी को, और अन्न के बिना श्राद्ध किस काम का, क्योंकि श्राद्ध में अन्न दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप जिमाना ही चाहते हैं, एकादशी के ही दिन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑप्शन है कि आपको उस दिन व्रत कराना होगा, फलाहार कराना होगा, और दूसरे दिन उनको अन्न दान भी देना पड़ेगा, और उनको अन्न दान आप अवश्य करें। दूसरे दिन फिर द्वादशी के दिन उनको भोजन करा सकते हैं। और सूक्ष्म बात यह है कि हम या तो द्वादशी को ही श्राद्ध कर दें, एकादशी वालों की याद करके द्वादशी को करें, उस दिन पूरा भोजन कराएं, क्योंकि एकादशी को आप अन्न दान नहीं कर सकते, अन्न का भोजन नहीं करा सकते, और श्राद्ध में अन्न का महत्वपूर्ण भाग है, उसका महत्व बहुत है। तो इसलिए, और जो एकादशी में नहीं कर पाते हैं, जो इस भाव से नहीं कर पाए या द्वादशी तक रह गए, तो फिर संपूर्ण फल जो मिलता है वो अमावस के दिन मिलता है, तो आप उस दिन भी कर सकते हैं। वंश वृद्धि के लिए इंदिरा एकादशी को दोपहर में पीपल के पेड़ की पूजा करें और परिक्रमा लगाएं, फिर शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाकर, घी का दीपक लगाकर पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे संतान की जो जीवन में परेशानियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती है, और संतान प्राप्ति में सुख प्राप्त होता है, संतान प्राप्ति हो सकती है। दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए इंदिरा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य कराएं, जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो हम लोग व्रत करेंगे 10 अक्टूबर को और पराहन करेंगे 11 अक्टूबर को। तो आप इस एकादशी के बाद को अपने पितरों को भी याद करें, उनके लिए भी इस एकादशी का फल दे सकते हैं संकल्प करके, तो सबका शुभ होगा, मंगल होगा, भगवान आपका भी मंगल करें। तो एकादशी आपके लिए शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।